Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओके ओके ठीक है माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी सो ये कैंटो टू का फर्स्ट चैप्टर का 24 श्लोक है विशेषास्तस्य देहोयम् स्तविस्तस्य स्तविस्यशाम् यत्रेतां विजयते विश्वं भूतं भव्यं भवाच्चसत् This gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is the personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant past, present and future of material time is experienced. नमो शुभदाय कृष्ण सर्वभूतले श्रीमते जयप्रदाका स्वामी थी नमने नमो शुभदाय कृष्ण सर्वभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी थी नमने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्वशेषनाथि पश्यासि सिद्धानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो ये जो श्लोक है इसमें जो है विराट रूप के बारे में ना बात हो रही है जो भगवान का विराट रूप है तो क्या होता है कि जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना वो उस चीज को एन अप्रिशिएट करते जो यू नो उनके सामने होती है जो मटेरियली उनके सामने प्रेजेंट होती है यू नो वरना तो वो एन नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड है या यू नो मिस्टर वर्ल्ड या स्पोर्ट्स में कोई है ना मतलब कोई लॉन्ग जंप कर रहा है कोई हाई जंप कर रहा है कोई फुटबॉल खेल रहा है कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई हॉकी खेल रहा है यू नो तो ये सब चीज़ों को वो पहचानेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे उसको अवार्ड देंगे बट है ना भगवान को नहीं करेंगे अप्रिशिएट बोलेंगे कि नहीं नहीं भगवान तो नहीं है बट एक्चुअली ये सब जो अपना जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग तो ये कला कहाँ से आ रही है उनको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है उनको पावर कौन दे रहा है एक्चुअली तो ये भगवान की कृपा से ही उनको मिल रहा है वो खुद तो ये नहीं कर सकते यू नो बिना भगवान की कृपा के हम अपना यू नो एक सांस भी नहीं ले पाते हैं तो ये जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ हाँ ये हमने किया है यू नो हम इतने है ना टैलेंटेड लोग हैं बट एक्चुअली ये जो जो टैलेंट दिया गया है ये जो है ना स्किल्स दिए हुए हैं ये भगवान के दिए हुए हैं उनको तो भगवान को वो अगर डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो यू नो भगवान क्या करते हैं भगवान इस तरीके से इनडायरेक्टली अपने आप को अप्रिशिएट कराते हैं You know, and वो बोलते ना कि वो recognize नहीं करते हैं कि शब्द के पौरुषम विशु मतलब I am the ability in man
कृष्णा ये बोलते हैं कि मैं हूँ वो एबिलिटी इस संसार के अंदर। तो भगवान को वो नोबेल प्राइज नहीं देंगे, एक दूसरे को एना नोबेल प्राइज देंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो कृष्णा क्या करते हैं, इस तरीके से वो एंटर करते हैं मैटर के थ्रू एंड वो लोग फोर्स होते हैं अप्रिशिएट करने के लिए कृष्णा को, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो ये भगवान की कृपा है कि ये जो विश्व रूप है, तो विश्व रूप देख के लोग है ना भगवान को फिर अप्रिशिएट करते हैं कि अरे इतना बड़ा रूप, तो ये बड़ा सा रूप देख के है ना तब लोग की वो ना बोलते कि दिमाग की बत्ती खुलती है, हाँ हाँ यही भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए। नहीं तो एक दूसरे को ही अप्रिशिएट करते रहेंगे, नोबेल प्राइज देंगे, उसी में ही फंसे रहेंगे। तो अप्रिशिएटिंग कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग कृष्णाज एनर्जी इज अप्रिशिएटिंग द लॉर्ड। तो जो है ना जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो है ना ये क्या एक दूसरे को है ना अवार्ड देते रहेंगे, जैसे नोबेल प्राइज, पद्मश्री अवार्ड एंड बहुत सारे अवार्ड एक दूसरे को देख के ना एंकरेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही इच्छा है कि यू नो मुझे भगवान बनना है। यू नो हर जगह पे आप देखेंगे कि एक छोटा छोटा भगवान है ना खड़ा हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ। बट उनको बोलना चाहिए कि अरे अगर आप भगवान है तो दिखाइए अपना विराट रूप। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि इन जैसे लोगों के लिए भगवान ने अपना ये विराट रूप दिखाया है। तो हम भगवद गीता का 11 चैप्टर उसमें 3rd श्लोक देखते हैं, तो अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि आप इस जो दृश्य जगत में किस तरह से प्रवेश करते हैं, ये जो संसार है इसमें आप कैसे है ना आते हैं, तो प्लीज आप ये जो अपना विश्व रूप है ये प्रकट कीजिए, क्योंकि मैं ये रूप देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है विराट रूप देखने की। तो भगवान अर्जुन की बात सुन के अपना जो विराट रूप है अर्जुन को दिखाते हैं। तो जब अर्जुन वो विराट रूप देखते हैं तो देख के एकदम यू नो चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी यू नो इतना विकराल रूप, ऐसा भी कोई रूप होता है क्या। तो जब विकराल रूप भगवान ने दिखाया तो उसने देखा कि अर्जुन ने देखा कि कई मुख हैं और भगवान के हाथों में यू नो अस्त्र शस्त्र सब है एंड जो ना जितनी भी सेना है वो सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रही है और इस साइड से जो बच्चे हैं वो जन्म ले रहे हैं और एक साइड से ना अग्नि वायु जल सब सब सबका दर्शन हो रहा है। तो अर्जुन ये सब देख के एकदम है ना डर जाते हैं और है ना तो हम सोच सकते हैं कि अरे ये जो विराट रूप कह रहे हैं या विश्व रूप कह रहे हैं तो क्या विराट रूप विश्व रूप यही है? तो हाँ वही है। तो भगवान ने जो विश्व रूप इसलिए दिखाया क्योंकि जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, यू नो सब कुछ त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं गुरु हूँ, गुरु की शरण में आओ, यू नो मेरे पैर छुओ, तो ठीक है गुरु सिद्ध हो सकते हैं, गुरु भगवान से मिलाते हैं, बट गुरु भगवान नहीं हो सकते हैं। तो वो लोग मूर्ख है जो ये सोचते हैं कि अरे ये जो गुरु है हमारे यही भगवान है, यही हमारे सब कुछ है। तो भगवान ने इसके लिए ये जो विश्व रूप है ये है ना सबको दिखाया। तो अगर नर ही नारायण है तो सबको ये लगता है ना कि अरे नर ही नारायण है, तो इसके लिए भगवान ने ये अपना विश्व रूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। नहीं तो हम देखेंगे कि सारे लोग भगवान बन के सामने आ जाएंगे, तो उनको आप बोलिए कि अरे आप अपना विश्व रूप दिखाइए। अच्छा ठीक है 4-5 हाथ तो दिखाइए अपने, अच्छा कुछ मुंह से अग्नि कुछ कुछ निकालिए, कुछ दिखेगा। तो कितनी भी कोई भी कोशिश कर ले कोई भगवान नहीं बन सकता है। तो इन ऐसे लोग की ऐसे मूर्ख जो मूर्ख होते हैं ऐसा सोचते हैं, तो जब विश्व ये विराट रूप की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं कि अरे हाँ यू नो कोई नहीं बन सकता भगवान की तरह। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ विराट रूप
या विश्व रूप अलग अलग है क्या? मगर नहीं, विराट रूप ही विश्व रूप है। तो भगवान 11 चैप्टर में अर्जुन को कहते हैं कि पहली बार ये जो विश्व रूप तुमको दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने सूर्य देव को है ना दिखाया था, ठीक है, जब मैं उसको ज्ञान दे रहा था। और फिर जब दूसरी बार दिखाया तो दुर्योधन को दिखाया था, जब वो शांति दूत बन के गए थे। एक्चुअली दुर्योधन देख नहीं पाया उनका विराट रूप, क्योंकि इतना प्रकाश निकल रहा था और है ना, वो तो भक्त नहीं है ना, तो वो कैसे देख पाएगा। तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया कि अरे ये क्या है, ये इतनी रोशनी, ये क्या है, तुम बंद करो ये अपना ये माया जाल, बंद करो इस रोशनी को। तो अपने सैनिकों को बोलता है पकड़ो पकड़ो इस ग्वाले को, इसको बंदी बना दो। तो भीष्म देव बोलते हैं कि अरे यार ये कैसा मूर्ख है। तो फिर हम सोच सकते हैं कि अरे भगवान ने पहली बार अर्जुन को है ना विराट रूप दिखाया, पर इससे पहले सूर्य देव को दिखाया, फिर दुर्योधन को दिखाया, तो ये पहली बार मतलब कैसे हुआ। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं 11 चैप्टर में, पहले जो रूप दिखाया गया था वो पूर्ण रूप नहीं था। जो अर्जुन के सामने पहली बार जो विश्व रूप दिखाया गया था वो कंप्लीट नहीं था। तो क्वेश्चन आता है कि भगवान का ये कंप्लीट फॉर्म विश्व रूप क्या शाश्वत धाम में भी है, क्या वहां पे भी है ये विराट रूप? तो इसलिए अर्जुन ने भगवान से आगे विनती की कि प्रभु आपका जो ये विकराल रूप है वो प्लीज बंद कीजिए, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, बहुत मतलब मैं डर गया हूँ। तो जो आपका जो ओरिजिनल रूप है, जो है ना आदि द्विज रूप जो है, वो प्लीज मुझे दिखाइए। तो भगवान क्या करते हैं, वो अपने चतुर्भुज में पहले आते हैं, एंड देन फिर वो जो उनका जो आदि द्विज रूप है, जो मुरली वंशीधारी जो रूप है, उस रूप में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या शाश्वत धाम में भी ये है ना विराट रूप है? तो नहीं, वहां पे नहीं है। ये रूप सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए भगवान ने दिखाया था। तो जो भगवान का जो आदि रूप ओरिजिनल रूप है, उसी से ही ये विराट रूप को एक्सपैंड किया गया है, ना कि विराट रूप से जो है कृष्ण आया है, नहीं, कृष्ण से ये विराट रूप आया है। तो जब भगवान को जब लोग देखते हैं कि अरे ये विराट रूप विश्व रूप, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करना स्टार्ट करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो सुकृति है वो उनकी जमा होती जाती है, अज्ञात सुकृति, अनोइंगली दे विल डू सर्विस बाय अप्रिशिएटिंग लॉर्ड्स एनर्जी, अप्रिशिएटिंग विश्व रूप। तो हम देखते हैं कि अगर थोड़ी सी भी सेवा अनजाने में भी की जाए तो उसका फल कितना भगवान देते हैं। तो जैसे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि ना एक व्यक्ति था, वो फूल लेके एक्चुअली कहीं जा रहा था, एक्चुअली वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, बट क्या हुआ, रास्ते में एक नदी आई और वो उस नदी में गिर गया और वो फूल भी गिर गए। तो जब उसने देखा कि है ना ये फूल भी जा रहे हैं उसके हाथ से और वो मरने वाला है, तो उसने बोल दिया कि ये मैं फूल गोविंद को अर्पण कर रहा हूँ। तो फिर वो मर गया, फिर मर गया तो उसको लेके गए यमदूत यमराज के सामने कि है ना ये जो व्यक्ति है ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। तो है ना फिर चित्रकूट उनका देखते हैं, जो है ना कोटा देखते हैं कि क्या अच्छा काम किया है क्या नहीं अच्छा काम किया है, देखते हैं कि अरे इसने एक अच्छा काम किया है तो उसके कारण इसको एक घंटा है ना हम स्वर्ग है ना जाने के लिए दे सकते हैं। तो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, पहले नरक जाना चाहते हो कि पहले स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं पहले ना स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो तुम्हें स्वर्ग लेके जाते हैं। तो स्वर्ग में जाता है, जब ही तो देखता है वहां पे इतने सारे फूल हैं, इतने सारे फूल हैं। तो वो है ना जो यमदूत है उनसे पूछता है कि ये है ना काटने के लिए वो कैंची या छुरी है क्या?
तो वो बोलते कि क्यों, तो बोला नहीं नहीं मुझे बस कुछ काम है, आप दो ना मुझे, तो वो है ना उसको दे देते हैं, वो है ना जो काटने का होता है फ्लावर्स काटने की छुरी जो होती है वो दे देते हैं, तो वो क्या करता है वो सब फूल काटते जाता है और ये श्री कृष्णा को अर्पण, 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 ऐसे करके पूरा एक घंटा हुआ कि जितने भी फूल हैं स्वर्ग के सब काटते जाता है और भगवान को अर्पण किए जाता है। तो फिर एक घंटा हो जाता है तो फिर अभी है ना यमदूत मतलब आते हैं उसके पास, तो बोलते हैं कि क्या अब मुझे चलना पड़ेगा, तो यमदूत बोलते हैं कि नहीं अब तुम सीधा जाओगे भगवान के धाम। तो जो ये अज्ञात सुकृति है, अनजाने में की हुई सुकृति, उसका इतना फल। और हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि कैसे एक चूहा था, तो वो है ना जब ना मंदिर में घूमता है, भगवान के मंदिर में घूमता है, और जो जो वट होती है वो जल रही होती है, तो उसको लगता है कि अरे ये घी वाली वट बहुत टेस्टी होगी, तो वो अपने मुंह में डाल देता है और उसमें आग जल रही होती है, तो उसके अंदर आग जल रही होती है, बट वो ऐसे इधर से उधर घूम रहा होता है, बट भगवान क्या सोचते हैं अरे ये तो मेरी पूजा कर रहा है, ये तो मुझे आरती दिखा रहा है, यू नो इसके मुंह में दिया है और ये मुझे आरती दिखा रहा है, तो उस चूहे का भी उद्धार करते हैं भगवान। और हम जैसे देखते हैं कि पूतना, पूतना तो आई थी भगवान को है ना विष पिलाने के लिए, बट फिर भी भगवान ने उनको है ना माता की गति दी। तो भगवान कितने दयालु हैं, मतलब थोड़ी सी अज्ञात सुकृति भी की हुई उसका इतना फल देते हैं भगवान। तो जब हम अनोइंगली भी कुछ है ना सेवा करते हैं तो हमें बहुत बहुत मतलब ब्लेसिंग्स मिलती है। एंड हम सोचते हैं कि अरे हम ही प्रचार कर रहे हैं, हम कितने बड़े प्रचारक हैं, हमारे कारण कितने बड़े भक्त बन रहे हैं, बट एक्चुअली हम खाली प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भगवान भी है ना हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो जो है वो हमें अंदर से गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से प्रचार करें। एंड भगवान भी आप देखेंगे कि मंदिरों में सुबह से लेके रात तक खड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी प्रचार ही कर रहे हैं अपना। कितने लोग आते हैं अपनी है ना जो भी समस्या है, डे टू डे समस्या है, उनको आके बताते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, एक लंबी सी लिस्ट होती है सबकी भगवान के आगे, आंखें भी नहीं खोलेंगे, आंखें बंद करके भगवान को बस बोलते ही जाएंगे, दर्शन भी नहीं करेंगे भगवान के। तो भगवान जो है ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ टॉलरेट करते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। एंड वो गाइड करते हैं, एक्चुअली एक सुपर सोल जो है अपने हृदय में बैठ के वो गाइड करते हैं, एंड एक्चुअली में वो ही प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उनको ही हमें क्रेडिट देना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रीच कर रहे हैं, हम भक्त बना रहे हैं। क्या हमारे अंदर कोई भी कैपेबिलिटी है कि हम किसी को भी भक्त बना सके? क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद को ही भक्त बना सके? वो भी नहीं हो सकता है, तो भगवान की कृपा के बिना ये सब नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अरे यू नो तुम प्रीच करो, तो जो दूसरा इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको अच्छे से प्रीच करो, उसे अच्छे से ट्रीट करो, उसको प्रसादन दो, उसको सत्संग लेके जाओ। बट हम जो है हमारी जो प्रीचिंग है वो बहुत कंडीशन है, नहीं नहीं मैं तब प्रीच करूंगा जब मैं यू नो कंफर्टेबल हूँ, जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तब मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप से बैठ के चैंटिंग करूंगा, बस मुझे प्रीचिंग नहीं करनी, बस आज मुझसे क्लास नहीं होगा, नहीं नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं 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 आज नहीं, फिर कभी प्रसादम सेवा नहीं नहीं आज मुझे पैर में दर्द है, आज मेरे घर में ये हो रहा है, फिर कभी प्रसादम सेवा, आज मैं अपना जप कर लेता हूँ, अरे वहाँ पे भागवतम क्लास हो रही है चलो वहाँ पे, नहीं नहीं मैं घर पे बैठ के चैंटिंग कर लूंगी। तो भगवान जो है देखते हैं कि अरे ये प्रीचिंग भी अपने हिसाब से ही करते हैं, तो एक्चुअली जो है प्रीचिंग भगवान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मुंह अपना खोलते हैं प्रीचिंग के लिए तो वो शक्ति कौन देते हैं, वो भगवान देते हैं हमें। तो भगवान जो है वो बहुत यू नो कंसर्न है अपने डिवोटीज के बारे में, तो वो ये नहीं देखते कि अरे ये मुझे गाली दे रहा है, ये नास्तिक है, ये मायावादी है, यू नो ये ऐसा है वैसा है, वो ये नहीं सोचते हैं। भगवान जो है सबको मतलब एक ही दृष्टि से देखते हैं,
वो इतनी कोशिश करते हैं हर एक जीव को वापस आने लेके आने के लिए, कितने अलग अलग तरीकों से वो कोशिश करते हैं ताकि कहीं कहीं तो उनका जो हृदय है वो पिघलेगा, वो भगवान को रिकनाइज करेंगे, वो जो है ना भगवान को कुछ ऑफर करेंगे, तो भगवान को सम्मान देंगे, भगवान की प्रशंसा करेंगे, भगवान को है ना वो प्रणाम करेंगे। तो वो श्लोक आता है ना कि मन मना मत मत भक्तो, तो भगवान बोलते हैं कि अरे मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे तुम प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। तो सिर्फ प्रणाम करने से भगवान को हमको कितनी सुकृति मिलती है, जस्ट बाय डूइंग सिंगल प्रणाम। जब हम प्रणाम करते हैं तो हम जैसे ही हम मतलब झुकते हैं तो पहले हम एक अलग व्यक्ति होते हैं, पर जब हम प्रणाम करके उठते हैं तो हम अलग व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी माथे की लकीरी है, ये जब है ना भगवान को प्रणाम करती है तो ये जो लकीरें हैं ये पूरी चेंज हो जाती हैं, हम एक अलग व्यक्ति होते हैं। और प्रणाम करने से क्या होता है कि हमारी जो आयु है वो बढ़ जाती है। तो भगवान सिर्फ एक प्रणाम करने से कितना बेनिफिट हमें देते हैं। तो फिर जो बद्ध जीव है वो जब भगवान को पहचानता है तो भगवान से कहता है कि प्लीज मेरी है ना रक्षा करो, सॉरी मैं ना आपको पहचान नहीं पाया, मैं धीरे धीरे ना भक्त बनने की कोशिश करूंगा, मैं आपके भक्तों के साथ एसोसिएट करूंगा, मैं प्रसाद खाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं धीरे धीरे ना सब करूंगा। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपनी जो सुकृति का बैलेंस है वो ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है और भगवान की कृपा पाता है। तो एक्चुअली जो कोई भक्त बनता है तो ये एक अकेले प्रचारक का ही काम नहीं है, ये एक जॉइंट वर्क है। इट इज अ जॉइंट वर्क डन बाय डिवोटी, बाय आचार्य, बाय कृष्णा एज परमात्मा कोर इन द हार्ट। तो किन लोगों का जॉइंट ये जो काम है, एक भक्त का है, एक आचार्य का है, गुरु का और कृष्ण का है, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है। तो जब भी हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो क्या लेक्चर देती हूँ, अरे यार सब फ्लैटर हो जाते हैं। नहीं, हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये भगवान है जिनकी कृपा से, ये हमारे गुरु हैं जिनकी कृपा से हमारे मुख से जो ये दो शब्द निकल रहे हैं, अन्यथा हमारे अंदर कोई वो योग्यता नहीं है कि अपना हम मुंह खोल के एक सिंपल बात कर सकें। तो ये जो है ना जो ज्ञान है भागवतम का, भगवद गीता का, ये तो इतना मतलब वास्ट ज्ञान, इतना रेयर ज्ञान है, इसके बारे में हम क्या बोल पाएंगे जब तक हमारे गुरु की, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। तो भगवान जो है वो है ना इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पे कि वो है ना अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, वो विराट रूप में आते हैं, वो रामचंद्र के रूप में आते हैं, वरहा के रूप में आते हैं, नरसिंहदेव भगवान के रूप में आते हैं, कि कहीं कहीं तो लोग उनको है ना पहचानेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। तो ये जो बद्ध आत्मा है, जो बद्ध जीव है, वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे जब इस तरह भगवान के रूपों को देखेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो वो मुक्त हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने से। वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ कृष्ण ही भगवान है और वो सरेंडर करेंगे भगवान को। तो एक्चुअली जो है मतलब सब कुछ मतलब हम भक्ति कर सकते हैं, पर जो ये हमारा मन है, ये जो बदमाश मन है, ये सिर्फ भक्त बन जाए ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हमारा मन इंद्र तृप्ति के पीछे भागता रहता है, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे मूवी देखना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे सुबह को नहीं उठना है, मुझे सोना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। सारा दिन जो हमारा मन है हम अपने इंद्र तृप्ति के पीछे ही भागते रहते हैं। तो ये जो बदमाश मन है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली जो भक्त का जो हृदय है, पहले वो मतलब है ना
वो अगर है ना बोलते ना कि एक उपजाऊ है ना जमीन बन जाए, क्योंकि वो इतना वो बंजर जमीन होता है कि उसके अंदर कुछ उगी नहीं सकता। ये जो भक्ति का जो बीज है ये उगी नहीं सकता, तो ये कैसे उगेगा? तो ये उगेगा बलराम जी की कृपा से, क्योंकि आप देखेंगे कि जब कृष्ण देव की मैया के है ना जो वो में आए थे, जो गर्भ में आए थे, तो उनसे पहले कौन आए थे? उनसे पहले कृष्ण आए थे उनके गर्भ में, तो सॉरी उनसे पहले बलराम जी आए थे। बलराम जी ने आके जो है पूरी व्यवस्था की एंड देन फिर कृष्ण आए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि है ना जो बलराम जी हैं, जो हमारा जो हृदय जो है जो जो एकदम बंजर जमीन है, तो उसको उपजाऊ जमीन बनाने के लिए बलराम जी आते हैं। बलराम जी एक आदि गुरु हैं, और बलराम जी क्या लेके आते हैं? अपने साथ हल लेके आते हैं। तो वो जो हल है वो हमारे हृदय में पड़ता है, तो हमारी जो ये बंजर जमीन है ये एक उपजाऊ जमीन बन जाती है। उसमें जो है भक्ति का जो बीज, ये जो बीज लता बीज है, ये बढ़ने लगता है धीरे धीरे धीरे। तो हम देखते हैं कि ना जो पत्थर जैसी जमीन है उसमें बलराम जी आके उपजाऊ जमीन बनाते हैं। तो बलराम जी हैं वो हम बलराम जी एक्चुअली गुरु भी जो हैं हम ये बलराम जी के थ्रू ही आए हैं। एंड नित्यानंद महाप्रभु, जो नित्यानंद महाप्रभु हैं, जब जगाई मदाई ने उनको पत्थर मार दिया था सर पे, इतना खून बह रहा था उनको, फिर भी वो क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट इनफ टू स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग यू कृष्ण भक्ति, मतलब ये काफी नहीं है ये चीज जो मुझे रोके तुम्हें भक्ति देने से। तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो बलराम जी हैं हमारे गुरु हैं, यू नो नित्यानंद महाप्रभु हैं, शिला प्रभुपाद हैं, ये इतने दयालु हैं कि जहाँ पे कोई होप ही नहीं होगा भक्ति का, क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ जन्म की जो है ना पाप है वो जमा किए हुए हैं, तो वहां पे कहाँ से ये छोटा सा भक्ति का जो फूल है वो खिलेगा। पर उन सब पापों को हटा देते हैं, उसे साफ कर देते हैं, बोलते ना नाम तुम्हारा साबुन जैसा, सब धो देते हैं ये उनकी कृपा से, और तब हम कुछ भक्ति कर पाते हैं। तो जो जो बलराम जी का ही विस्तार रूप है वो है गुरु, वो प्रतिनिधि हैं। तो अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें बलराम जी से प्रे करना चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु से प्रे करना चाहिए, हमें अपने गुरु हमें श्रील प्रभुपाद से प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो इतने दयालु हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पेपर है मैंने लिख दिया है, तुम आओ सिर्फ अपना है ना रोल नंबर लिखो और साइन करके चले जाओ बस। तो इतने मर्सीफुल है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जब भी बलराम जी को, हम जब भी नित्यानंद महाप्रभु को प्रे करते हैं, आप देखिए कि आपकी जो भक्ति है वो जो एक जगह रुक गई थी वो बहुत स्पीड में बढ़ने लगती है। और जब हम सिर्फ सोचते कि नहीं बस ओला माला कैसे भी करके कंप्लीट कर लूं, पर जब हम नित्यानंद महाप्रभु को प्रे करते हैं, हम अपने गुरु को प्रे करते हैं, तो हमारा मन कहता है कि क्यों सिर्फ 16 माला, मुझे तो और करना चाहिए, मुझे तो समय है, मैं और कर सकती हूँ, मैं 16 माला क्यों, मैं 20 माला करूंगी रोज, मैं 25 माला करूंगी। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें नित्यानंद महाप्रभु की मर्सी मिली है, प्रभुपाद की मर्सी मिली है, गुरु महाराज की मर्सी मिली है। तो प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। हम 16 माला तो कर लेते हैं पर हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जो हैं वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, तो उनके जो शिष्य हैं वो उनसे पूछते थे कि अरे आप क्यों रोज प्रार्थना करते हैं, आप तो इतने बड़े भक्त हैं। तो बोला कि नहीं, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो मैं माया में गिर जाऊंगा। तो शिला प्रभुपाद भी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्लीज मुझे आपकी भक्ति दो। तो हम तो क्या ही हैं, तो हमें भी रोज शिला प्रभुपाद से, अपने गुरु महाराज से, नित्यानंद महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से ये ना भीख मांगनी चाहिए कि प्लीज प्लीज हमें थोड़ी सी भक्ति दीजिए।
क्योंकि हमारा जो ये मनुष्य जन्म है ये ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाए कि बस हम इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो हमारे अंदर जो ये बदमाश मन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इनकी कृपा से ही आएंगे। आई थिंक समय हो गया है एंड मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ कुछ भी यहाँ पे बैठ के व्यास आसन पे बैठ के कुछ भी प्रचार करने के लिए, बट आप लोग की कृपा से मैं थोड़ा कुछ बोल पाई हूँ। और आई नो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ एंड आपसे कृपा चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। एंड एक्चुअली जो ये लेक्चर प्रिपेयर किया है मैंने हिज होलीनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन के प्रिपेयर किया था, तो अगर आप उनके मुखारविंद से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो वांछा कल्पित रूपेश्वर कृपा सिंधु देव पतिता नाम पावने यो वैष्णव नमो अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। जैसे एक कहा कि प्रचार हम लोग नहीं करते, तो कभी कभी हम लोग को गुमान हो जाता है कि हम लोग इतने अच्छे प्रचार हैं, हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली ये सब भगवान ही करवाते हैं। भगवान का कृपा नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो इट्स ओनली द लॉर्ड। और गुरु का कृपा होता है तो होता है, गुरु का भी कृपा नहीं होगा। जैसे आपने वो बलराम जी का भी जो आपने पॉइंट कहा कि बलराम जी से प्रे करना चाहिए अगर हम लोगों को भक्ति करना है, प्रचार करना है, यू हैव टू प्रे द लोटस फीट ऑफ बलराम जी, और वो जो है फिर आगे सब करते हैं वो। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बलराम जी ही जो है या नित्यानंद प्रभु, वो हमारे जो हृदय इतना कठोर है पत्थर के समान, वो उसको उपजाऊ बना देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल जमीन होता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, हल चलाते हैं। तो बलराम जी भी जो है वो हल लेके खड़े रहते हैं, और कितना भी कैसा भी हृदय हो कठोर, तो वो अपने हल से उस समस्या का हल कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा है पॉइंट्स है। और भक्ति महाराज जी भी जो हैं वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो थैंक यू माता जी, आपने सब उनके पॉइंट शेयर किए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता। हरे कृष्ण थैंक यू सो मच। आप लोग के कारण मुझे भी ये थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, और मुझे भी पता चला विराट रूप के बारे में, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता था विराट रूप के बारे में, बलराम जी के बारे में, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में। तो आप लोग की कृपा के कारण ही मुझे ये ज्ञान मिला। हरे कृष्ण माता थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया क्लास था, छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें भक्ति में और आगे बढ़ा गए। आपका जैसे क्लास चालू हुआ, तुमने जैसे क्लास स्टार्ट किया ना, तो वो मुझे शिक्षाष्टकम प्रभु जो है नासिक वाले, उनका एक उनका बात तो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया था, पर शॉर्ट में मैं यही बताऊंगी कि वो बता रहे थे कि जैसे हम तिलक लगाते हैं, हम जंप मारते हैं, डांस करते हैं सब, तो बोला कि लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे दिखावा क्यों करते हो, तो बोला कि हम जो ये करते वो दिखावा लगता है, लेकिन जब तुम लोग मैच होती है और स्टेडियम में जोर जोर से चिल्लाते हो, जोर जोर से डांस मतलब वो जंप मारते सब करते हो, तभी तुम क्यों दिखावा ये करते हो, हम तो ये सब करते हो भगवान के लिए करते हो, तुम किसके लिए करते हो, तुम क्या ये सब दिखावा क्यों करते हो। तो मुझे तुमने जब स्टार्ट किया क्लास तो वो उस पर ये बात याद आ गई। कृष्णा पृष्ठा मैंने हाथ ऊपर इसलिए किया था कि अगर एक दो मिनट का तुम्हारे पास कुछ बोलने का हो तो तुम बोल सकते हो, अगर हो तो नहीं तो फिर जिसको एक पॉइंट मुझे और एक याद आई तो मैंने प्लीज बोलो। अरे कि एक भक्त को है ना बहुत मेहनत करनी चाहिए भक्ति में, प्रचार करने में, अपनी भक्ति बढ़ाने में, क्योंकि हम बस ऐसे ही बैठे रहेंगे ना यू नो, तो हमें वो ऊपर से वो कृपा वो है ना भगवान की नहीं प्राप्त होगी। पर जब जो भक्त मेहनत करता है, वो जो पसीना निकालता है, वो पसीना जो है उससे भगवान की है ना
कृपा मिलती है, जब भगवान देखते हैं कि अरे ये भक्त इतनी मेहनत कर रहा है। और आप देखेंगे कि जब पूरा दिन भर आप बिजी हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में, जब आप रात को सोएंगे ना ऐसे बेहोश होकर सोएंगे कि अरे पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम मेहनत करें भक्ति में, अपना पसीना बहाएं। जब तक ये पसीना नहीं बहेगा तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो कृपा का मतलब ही यही है कि कर फिर पा, कर फिर पा। तो बहुत जरूरी है कि हम भक्ति में बहुत बहुत मेहनत करें, तभी हमें भगवान की कृपा मिलेगी। थैंक यू माता जी। मुझे सर्वभौम प्रभु का एक लेक्चर का याद आ गया कि जैसे हम सब भगवान को बोलते ना, भगवान दया करो, भगवान दया करो, तो हम बोलते दया का उल्टा होता है याद। तो तुम मुझे याद करो, मैं दया करूंगा तुम्हारे पे। बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच माता। किसी को कुछ पॉइंट ऐड करने हो या तो फिर माता जी की भी सेवा होगी और कोई, तो फिर नरसिंह आरती भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एंड जब मैं बोल रही थी कि हम प्रीचिंग करते हैं तो इसमें हमारा कोई योग्यता नहीं होती है, ये भगवान की कृपा होती है। तो मुझे ये एक्चुअली ये भजन भी दो लाइन गाना था, तो वो मैं अभी गा लेती हूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ गाना, क्योंकि मैं जब लेक्चर देती हूँ तो मेरे हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। बट स्टिल जस्ट टू ग्लोरिफाई द लॉर्ड आई विल सिंग टू लाइन्स। तो वो भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। मैं तो नहीं मुकाबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। वो जो आपने दंडवत के बारे में बताया तो मैं मतलब जय गोविंद प्रभु के मुख से सुना था कि जब हम अगर हम खड़े होके भगवान को नमन करते हैं और दंडवत करके नमन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो बोलते जब आगे खड़े होकर आप मतलब नमन करते हो, भगवान के आगे नतमस्तक होते हो खड़े होकर, तो जब जैसे बारिश गिरती है ना, तो भगवान की कृपा हमेशा गिरती रहती है। मगर होता क्या है, जब हम खड़े रहते हैं तो सिर्फ हमारा सर और हमारा थोड़ा शरीर भीगता है, मगर अगर हम दंडवत करते हैं तो पूरे शरीर पे पानी गिरता है, यानी पूरे शरीर पे हमको कृपा मिलती है भगवान के। अगर हम खड़े रह के नतमस्तक होते हैं तो सिर्फ हमारा सर गीला होता है, हमारे जो है कंधे गीले होते हैं, मगर अगर हम नतमस्तक नीचे जो है दंडवत करते हैं तो पूरा हम जमीन पे लेट जाते हैं, तो बारिश पूरी पूरी हमारे शरीर पे गिरती है। तो वो एक बात याद आ गई तो वो शेयर करना चाहता था। हरे कृष्ण। मुझे नेताय सेवनी माता जी का भी लेक्चर याद आ रहा है, तो वो बोलती है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के जो ये ना चरण है वो हमारे सर पे पड़ रहे हैं। तो जब भी हम प्रणाम करें तो हमें ये स्मरण करना चाहिए। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोनों पॉइंट बहुत ही जबरदस्त थे जो दोपहर प्रभु जी ने शेयर किया, कैसे हम लोग कृपा में भीग जाते हैं पूरी तरह से। और जैसे निताई सेवनी माता जी कहती है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भगवान के चरण हमारे सर पर पड़ रहे हैं। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्ण। आपने तो बहुत खूबसूरती सी स्टोरी है ना बताई, मैं तो हाथ पैर कांप रहे थे और धीरे धीरे अब पॉइंट याद आ रहे हैं जो मुझे बोलने थे। जैसे आपने बोला कि भगवान कितने निष्पक्ष हैं, तो उसी से मुझे एक और पॉइंट याद आया कि मुझे बोलना था
कि भगवान बहुत मेहनत करते हैं एक जीव को वापस अपने पास लेके आने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि एक सेल्समैन होता है, वो कैसे बार बार है ना आपको कॉल करेगा कि अरे मेरा ये चीज ले लो, इतना अच्छा है। जैसे मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है ना, जब भी राम और श्रेया 8th स्टैंडर्ड में आए थे तो मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार तो फोन आता था नॉलेज प्लैनेट इंस्टीट्यूट की तरफ से कि अरे मैडम आप ज्वाइन कर लीजिए, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपके बच्चे को 90% आएगा, 100% आएगा, हमारा इतना परसेंटेज है, अच्छा एक डेमो क्लास तो अटेंड कर लीजिए, अच्छा आप कब फ्री है। और उनको मैं बोल बोल के थक जाती थी कि मुझे नहीं ज्वाइन कराने, मेरे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, बट वो लोग हार नहीं मानते, वो लोग फोन करते ही रहेंगे। तो उसी तरह भगवान भी है, वो किसी ना किसी तरीके से वो है ना कोशिश करते कि ये जीव मेरे पास आ जाए। वो किसी भक्त को भेजेंगे या किसी को भेजेंगे या आपके सामने भगवत गीता भेज देंगे कि कुछ तो देखिए कहीं से तो ये इंसान है ये वापस मेरे पास आ जाए। नेताय सेवनी माता जी का मैं लेक्चर सुन रही थी तो उसने भी वो माता जी बोलती है कि हम भक्तों के लिए भी कि हम जो 16 माला जप करते हैं हमारे लिए भी भगवान है ना ऐसे ही वेट करते, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे आके हमारे सामने बैठ जाते कि अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम तो कुछ और सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग यहाँ पे वहां पे सब जगह घूमते रहता है, तो भगवान फिर दुखी हो जाते कि अरे इसने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे वापस वो आके बैठ जाते हैं, अरे मेरा नाम ले रहा है, फिर हम वही चीज करते हैं। तो भगवान थकते ही नहीं है, वो रोज आके बैठ जाते हैं हमारे सामने कि आज तो ये ध्यान पूर्वक जप करेगा, मगर वो दिन आता ही नहीं है। तो आप सब भक्तों की कृपा रहेगी तो मेरे जीवन में भी वो दिन आएगा कभी कि जब मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूंगी और ध्यान पूर्वक एकदम जप कर सकूंगी। यस माता जी, थैंक यू माता जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोली, क्योंकि जो हम देखते हैं आपने जो एग्जाम्पल दिया सेल्स वालों का, उनको वो लोग नहीं समझते, वो समझते ही नहीं उनको, मैं तो मतलब उनको ब्लॉक करना पड़ता है एक टाइम के बाद कि मत फोन करो, ब्लॉक करना पड़ता है उनको कि वो फोन ना करें। लेकिन भगवान के लिए, भगवान बहुत पॉजिटिव है। एक माता जी आई थी, उन्होंने बोला, और ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, अगर हम जैसे आपने बोला कि हमसे भगवान, हमको मेहनत करनी पड़ती है भक्ति के लिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान एंश्योर करेंगे कि हम करें, अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे भी करके करवाएगा मेहनत, क्योंकि भगवान हमारे लिए पॉजिटिव है। फिर हम कुछ भी पानी कट जाएगा, पानी पानी बिजली की कटौती हो जाएगी, फिर हमको जख मार के फिर से भक्ति करनी पड़ेगी, तो भगवान ये इंश्योर करते हैं कि जितने मालाएं तुम कर रहे हो मैं पॉजिटिव हूँ, वापस करो, वो हमको करवाएगा मेहनत, हम नहीं भी करेंगे तो। ये एक्सपीरियंस आवासी जी, तो इसलिए बहुत अच्छी पॉइंट बताई माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपकी, कि अगर भगवान बार बार अपने भक्त को भेज रहे हैं हमें भक्त बनाने के लिए और फिर भी हम भक्त नहीं बनते हैं तो फिर तो वह भगवान का डंडा लगता ही है। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि भगवान तुमको बार बार भक्त भेज रहे हैं भक्त बनाने के लिए, तुम भक्त बनो, भक्ति करो, नहीं तो जब भगवान का डंडा पड़ता है ना फिर तुमको याद आएगा कि अब तो मैं भक्त बनना ही है, तो डंडा मिलने से पहले भक्ति कर लो, क्योंकि वो अपने जो भक्तों को वापस चाहते अपने पास। आपने जैसे बोला ना कि वो बहुत पॉजिटिव है, तो सच में वो बहुत पॉजिटिव है। यस माता जी, हरि हरे कृष्णा, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास, आपका क्लास बहुत अच्छा था माता जी। जैसे अपने पॉइंट्स पता है कि प्रेयर्स के लिए, तो माता जी मैं मेरे लाइफ में कभी मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैं जस्ट आपने बताया था कि हम लोग को हमेशा अपने गुरु को याद करना चाहिए, फिर चैतन्य महाप्रभु को याद करना चाहिए, देन भगवान के विग्रह को याद करके हम लोग को जप करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी, तो थैंक यू सो मच। और माता जी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था माता जी, जैसे आपने बताया कि मन को डिओटी बनाना चाहिए, तो मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया माता जी, आप प्लीज बता सकते हैं प्रभु? क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत बदमाश है, वो इधर उधर भागता रहता है, वो हमेशा इंद्र तृप्ति के पीछे ही भागता रहता है। तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि ठीक है मन अगर तुम्हारा भाग रहा है तो मन को बोलो कि हाँ मैं वो चीज करूंगा जो तुम्हें चाहिए मैं करूंगा, बट पहले मैं भक्ति कर लूं, पहले मैं अपनी 16 माला कर लूं, फिर पक्का मैं वो चीज करूंगा। तो जैसे मन चाहता है या माया चाहती है कि हम, माया भी क्या चाहती है कि अरे
तुम भक्ति कर लेना, ठीक है कर लेना, पहले तुम एंजॉय कर लो फिर भक्ति करना। तो उसी तरह हमें मन को कहना है कि हाँ हम एंजॉय करेंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे, बट पहले मैं अपनी 16 माला कर लूँ, पहले मैं ये भगवत गीता पढ़ लूँ, पहले मैं ये क्लास अटेंड कर लूँ, फिर पक्का मैं करूँगा। तो इसी तरीके से जो ये जो बदमाश मन है, और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ये पॉइंट्स की, जो बलराम जी हैं, जो ये जो पत्थर जैसा जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, उस पे जब वो हल चढ़ाते हैं तो ये जो बंजर जमीन है ये भी उपजाऊ जमीन बन जाती है, उसके अंदर जो ये भक्ति लता का जो बीज है वो खिलने लगता है। तो जो हमारे गुरु हैं, गुरु भी बलराम के विस्तार है, जब उनकी कृपा मिलती है तो हमारा जो ये मन है जिसमें भक्ति नहीं हो पा रही है, उग नहीं पा रही है, वो भक्ति उगने लगती है। आई होप इट्स क्लियर प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। और माता जी एक लेक्चर सुन रहा था मैं, तो लेक्चर में एक प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग की कुछ भी कृपा नहीं है, हम लोग की कुछ भी ऐसी लायकी नहीं है, लेकिन अपने गुरु महाराज और रूपराज जी की कृपा हम लोग को ऐसी मिलती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग लायक भी नहीं है। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग लायक नहीं है, फिर भी हम लोग के गुरु महाराज हम लोग को उनकी कृपा प्रदान करते। तो थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, आपका क्लास बहुत अच्छा था और वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने इतना कभी सुना भी नहीं था। इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट बलराम जी का जो आपने बताया कि हार्ट जो है वो इतना कठोर होता है, उसमें भगवान कैसे आएंगे। तो पहले हमको बलराम जी को प्रेयर करनी है कि वो हार्ट को फर्टाइल करें, मतलब तभी भक्ति लता बीज जो है वो ग्रो हो पाएगा। सो वेरी ब्यूटीफुल क्लास माता जी, पूरी क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, Hare Krishna, all glories to Guru Maharaj, all glories to all the Vaishnavas, and all glories to His Holiness Bhakti Vinod Swami Maharaj, jinka lecture sun ke aapke samne wahi repeat karne ki koshish ki maine. Hare Krishna Mata ji, dhanyavad pranam, Mata ji bahut sundar class tha, aur aapke upar se Guru Maharaj ki aur Chaitanya Mahaprabhu ki चारण प्रभु की कृपा है, इसलिए आप लोग दामोदर देश में हो और वहाँ पर कितने सारे भक्तों का संग महाराज का संग मिलता है। एक बार जय गुरु जी, आप सब भक्तों की कृपा है। एक बार जय गुरु प्रभु बोल रहे थे कि अगर हमारा कुछ पुण्य है और इस अभी इस जन्म में अभी जो चल रहा है उसमें अगर हमारा पुण्य कर्म है तभी हम लोग दामोदर जैसे जगह रहते हैं, अब जैसे ही खत्म हो जाता है फिर से हमें इंडिया में भेज दिया जाता है। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ, वहां पर बहुत सारे भक्तों का संग, महाराजों का संग, सेवा मिलती है, तो बहुत कृपा है आपके ऊपर। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, आप सब भक्तों की कृपा है सच में। एंड जो बोलते हैं ना कि एक भक्त जिसको सच में वैल्यू होती है कि क्या भक्ति है, क्या एसोसिएशन होता है, तो ये सब आपसे सीखने को मिलता है। हम तो बहुत ऐसे कैजुअली लेते हैं भक्तों को, सत्संग को, बट जब आपके मुख से मैं सुनती हूँ ये सब बातें तो रियलाइज होता है कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन भक्तों का। एंड सच्ची में माता जी बहुत रियलाइजेशन होती है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कुंजेश्वरी माता जी की बात से मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला। जैसे हम नोटिस करते हैं कि जैसे न्यू ईयर चालू होता है, नया साल जैसे चालू होता है, तो ही सोलनेस बीबी गोसाई महाराज जी का व्यास पूजा होता है, उनका डेट वाइज आई थिंक 12th January है और श्री वल्लभ प्रभु जी का 13th January है। तो हमें जैसा साल चालू होता है महाराज का जो स्टार्ट होता है ना दर्शन का और उनकी जो ब्लेसिंग्स का, वहां से फिर जैसे बढ़ते ही जाते बढ़ते, तो हमारे इतनी कृपा होती है कि एक महीना छोड़ो, डेढ़ महीना छोड़ो, उसमें एक दो अभी भी जैसे एक महाराज आए हमारे गुरु महाराज की और अभी वो महाराज बने हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा साल चालू होता है
भी माँ बीवी ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, उनके ब्लेसिंग मिलते हैं और फिर अपना चालू होता जाता है। महाराज के दर्शन होते रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलती है, उनकी कृपा होती है कि हमारी और सुकृति, हम और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो माता जी का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। इन वाकई में हम लोग बहुत लकी है, हम दामोदर देश में रह के, इतने दुबई में रह के, दामोदर जैसे कंट्री अलग है लेकिन उसमें भी रह के हम अच्छे से प्रीचिंग भी कर पाते हैं और हमको ब्लेसिंग तो प्रेयर्स मिलती है सब महाराज की। इतने महाराज आते रहते हैं, दर्शन मिलते हैं, कृपा होती है। जैसे अभी भी कीर्तन रसा में कृपा मिली थी महाराज जी, दो महाराज के, तो हम बहुत लकी है। बस भगवान करे कि हम भक्ति में ऐसे आगे बढ़ते रहे और कृपा सब महाराज की कृपा हमें चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं जैसे कि गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज नहीं, हमारे लिए सब महाराज एक ही है। तो हम सब महाराज की हमें ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेडिकेट की अपनी लाइफ कृष्ण भक्ति में और बिकॉज ऑफ उनकी वजह से हमें कृपा मिली है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सब महाराज की कृपा चाहिए और प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए। थैंक यू सो मच माता, हरे कृष्ण। यस माता जी, बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमें सब महाराजों की कृपा चाहिए। एंड कुंजेश्वरी माता जी, हम प्रे करेंगे कि आप सब दामोदर देश में आए, क्योंकि हमें आपका संग मिलेगा, हमें वो हमारा नसीब जागेगा जब हम आपके दर्शन करेंगे, आपके संग बैठेंगे, तो वो हमारा नसीब होगा। श्री वल्लभ प्रभु की वजह से इतना सब कुछ बांध के रखा है ना, हम लोग कहीं पर भी हो, कौन से भी देश में हो, उनकी वजह से इतना हम लोग सीखे कि कैसे भक्त बनना है, कैसे अपना एक परिवार जैसे रहना है। तो उनके जितने भी गुण गाए कितने भी तो वो कम है, उनकी वजह से ही सब कैसे महाराज से हमें वार्तालाप करना चाहिए, क्या कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उन्हीं की वजह से हम लोग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक पॉइंट मुझे याद है, श्री वल्लभ प्रभु जी बोलते हैं कि दामोदर देश से जो भी गया है, कहीं भी गया है, अपने गांव गया है, अपने शहर गया है, तो उन्होंने वहां पे जाके अपना खुद का ये प्रीचिंग सेंटर खोला है, अपने ग्रुप खोले हैं, मंदिर स्टार्ट किए हैं, अपना एक आश्रम स्टार्ट किया है। तो जो जो दामोदर देश से गया है, अपने देश में जाके उन्होंने ये ना प्रचार करना स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल आप लोग ने भी वैसे ही अपनी जगह जाके पूरा जो ये प्रचार बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं आप, सो वेरी हैप्पी टू सी। हम लोग दामोदर देश यात्रा मुंबई ब्रांच बोलते हैं, हम लोग तो वहीं का एक एक्सटेंशन है। और जो शिव प्रभु से सीखा है हम लोगों ने, कैसे यूनिसन में रहना है और कैसे अपना भक्ति करना है, इतना कुछ जो ट्रेनिंग लिया है हम लोगों ने वहाँ पे, वी ट्राई टू फॉलो एंड वी ट्राई टू इम्बाइब दैट क्वालिटीज हमारे में, और जो नए आ रहे हैं उनमें भी वही क्वालिटीज हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह सही में श्री वल्लभ प्रभु का जितना गुण गाया जाए कम है। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबसे आगे चाहूंगी एंड यही प्रे करूंगी कि मुझे दोबारा आपका संग मिले एंड आपकी कृपा के कारण ही मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसमें मेरा ही है ना मतलब फायदा है, इसमें मेरा ही बेनिफिट है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप सब ने शेयर किए हैं वो इटसेल्फ ही एक क्लास है और उसमें से ही मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू माता, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।